सबसे पहले हमें वैसलीन चाहिए। आज की वीडियो बनाते हुए मुझे चोट भी लग गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका इलाज जो है हम बाद में कर लेंगे। अभी वीडियो बनाते ये हैपन हो गया, तो सबसे पहले हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए ग्लिसरीन, जो कि आप सबको पता है कि मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तीन इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे और तीनों हम लेंगे सॉलिड, ताकि जो है वो चीजें भी आप लोगों को अवेलेबल हो और फायदा भी जबरदस्त हो। उसके बाद हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड चाहिए, ये ऑप्शनल है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में मैं इसको इस्तेमाल करूंगी वो आप लोगों के लिए जरूरी है। चलिए जी, आप इसको बनाना किस तरह से आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको मिक्स करना मुश्किल है, तो उसका तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ मैं आपको एक एक टीस्पून से बनाने का तरीका सिखाऊंगी। एक टीस्पून आपने लेनी है पेट्रोलियम जेली यानी कि वैसलीन, आपके पास कोई सी भी हो आप उसको इस्तेमाल करिए, ये इतनी महंगी चीजें नहीं है, आपको आसानी मिल जाएंगी। इसके बाद मैं इसमें एक ही टीस्पून मिलाऊंगी ग्लिसरीन, दोनों चीजों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। बस मिक्स करना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि तमाम चीजें यकजा हो जाए। आप देखिए, ये वैसलीन और ग्लिसरीन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाएंगे हाफ टीस्पून, बहुत ही जो है ये कम क्वांटिटी है, और क्योंकि हाथ पांव की जिल्द जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है और इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती, तो इसमें जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को वैसलीन जो है वो सूट नहीं करती, उनकी रंगत उल्टा ब्लैक होना शुरू हो जाती है, सांवली होना शुरू हो जाती है। तो आप देखिए कि जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये मिक्स नहीं हो रही, ये इकट्ठी हो जाएगी पानी की तरह ऊपर। अब इसका तरीका ये है कि मैं इसको ये मिला देने के बाद छोड़ दूंगी एक घंटे के लिए किसी खुश्क जगह पे, तो ये आपको आधे घंटे बाद दिखाएंगे। अब उसके पहले आप लोग को अप्लाई करने का तरीका बता देते हैं। थोड़ा सा इस मिक्सचर को लीजिए और इससे अपने हाथों पे, बाथों पे और पाँव पे अप्लाई कीजिए। खुश्क जिल्द सर्दियों में जो आपकी हो रही है रिंकल्स वगैरह, वो भी इससे खत्म हो जाएंगे, जिल्द बिल्कुल आपकी फ्रेश हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि इसमें इतनी क्वांटिटी में हमने जो हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाया है, इससे आपके हाथ और पांव दिनों में चमक जाएंगे। जिसने इसको 15 दिन इस्तेमाल कर लिया, बल्कि 4 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उसकी ये शिकायत खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, कि उसके हाथ पांव बहुत खुश बेरौनक और सामने है। अच्छा जी, अब मैं इसको आधे घंटे के लिए किसी ऐसी जगह पे छोड़ूंगी जो ठंडी नहीं हो, किसी गर्म जगह पे, जैसे कि किचन के अंदर, लेकिन चूल्हा जला के नहीं रखते ना, वैसे रख दीजिए, हीट होती है वहां पे, तो ये पिघल जाएगी। तो आगे चल के मैं आपको दिखा दूंगी आधे घंटे के बाद कि इसमें बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा, वैसे चाहे आप इसको घंटा लगा दें। खुश्क हो जाने के बाद ये इसको तकरीबन, सॉरी मैं खुश्क होने के बाद कह रही हूँ, सॉरी मेरे जहन से निकल गया, कि मैंने इसको आधे घंटे के लिए रखा और आप देख रहे हैं कि ये सीरम की शक्ल में आ गया। तो फिर मैंने इसकी पिक्चर ले लिया ताकि आप लोगों को बता सकूं। इस तरह से आप इसको जितना भी मिक्स करेंगे ना, पानी होने की वजह से मिक्स नहीं होगा। तो बहुत सारे दोस्तों को यूं लगता है, वीडियोस में बहुत सारे लोग ऐसे ही दिखा देते हैं मिक्स नहीं होता, जिसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी के ऊपर तैरती रहेगी। आप इसमें पानी मिलाएं, गुलाब का अर्क मिलाएं, हाइड्रोजन मिलाएं, या कोई भी ये दूध देवन मिला लें, तो वैसलीन जो होगी उसके ऊपर तैर जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी घी की तरह, लेकिन मिक्स नहीं होगी। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उसको किसी गर्म जगह पे आप इस तरह से रख दीजिए और तकरीबन आधे पौने या एक घंटे के बाद आप देखेंगे तो वो बिल्कुल उसके अंदर जगह हो चुका होगा, मिक्स हो चुका होगा, जब ये बिल्कुल पतला सा सीरम बन जाएगा, डैट्स मीन ये तमाम चीजें यकजा हो चुकी है। अब आपने इसको किसी बॉटल में, किसी जार में महफूज कर लेना है और रखना है आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे, फ्रिज के अंदर रखेंगे तो वही होगा कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आपकी वैसलीन जो है वो पर अलग तैर रही होगी। आप ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन उसके अंदर ही होगा, उसका फायदा उसके अंदर हो जाएगा जब आप उसको अप्लाई करेंगे, बट अगर जरूरी है आप ऐसे चाहें तो उसको गर्म जगह पे रख लीजिए। तो आप इसको रोजाना थोड़ी सी क्वांटिटी में, जैसे मैं वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ, रोजाना सोने से पहले अप्लाई कर लीजिए, और फर्स्ट नाइट ही अप्लाई करने के बाद आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से मेरा दावा है। क्योंकि ये तीनों इंग्रेडिएंट बहुत सॉलिड है, आपके हाथों पाँव पे किसी किस्म के निशान भी होंगे तो वो भी इससे साफ हो जाएंगे। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच।
आज की वीडियो में।